हाय गाइस, मेरा नाम है अमन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टेक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कमाल की न्यूज, क्योंकि आज की जो न्यूज है ना वो आप सभी को खुश करने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं पबजी के बारे में। गाइस, ये फाइनली कंफर्म हो गया कि पबजी इंडिया के अंदर अपना कमबैक करने वाला है। कुछ टाइम पहले पबजी को इंडिया में बैन कर दिया गया था, क्योंकि जो पबजी की पेरेंट कंपनी है ब्लू होल स्टूडियो, वो एक साउथ कोरियन कंपनी है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है ना वो है टेंसेंट गेम, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, और वो पबजी मोबाइल के डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिया के अंदर हैंडल कर रहा था, जिसकी वजह से जो इंडियन यूजर्स का डेटा था वो बहुत ज्यादा रिस्क में था एंड वो इंडिया से बाहर चाइनीज गवर्नमेंट तक जा सकता था, जिसकी वजह से पबजी को बैन कर दिया गया। लेकिन तब से ब्लू होल स्टूडियो एक इंडियन पार्टनर की तलाश कर रहा था, ताकि वो उनके साथ कोलैबोरेशन करके पबजी को इंडिया के अंदर वापस लेकर आ सके। एंड अब ये फाइनली कंफर्म हो चुका है कि जो पबजी है ना वो एयरटेल या पेटीएम के साथ वो कोलैबोरेशन करके इंडिया के अंदर ही सर्वर सेटअप करेगा, जिसमें इंडियन यूजर्स का डेटा स्टोर रहेगा। तो अब जो इंडियन यूजर्स का डेटा है वो इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ये गेम सिक्योर हो जाएगी। तो अब इस गेम को खेलने में कोई भी बुराई नहीं है। एंड गाइस, ये भी न्यूज आ रही है कि जो पबजी के ऑफिशियल्स है ना, उन्होंने कुछ बड़े गेमिंग चैनल्स को ये डिस्क्लोज किया है कि वो बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर अपना कमबैक प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो किसी भी गेमिंग चैनल ने अपफ्रंट आकर ये चीज डिस्क्लोज नहीं की है। एंड ये जो कमबैक है दिवाली के आसपास प्लान किया जा रहा है। हो सकता है कि दिवाली पर ही पबजी ये अनाउंसमेंट कर दे कि वो अपना कमबैक इंडिया के अंदर फाइनली करने वाले हैं। तो इस देखते हैं कि फाइनली पबजी अपने कमबैक की खुशखबरी किस दिन और किस टाइम पर आप लोगों को देने वाला है। आज की सेकंड सबसे बड़ी न्यूज, व्हाट्सएप का न्यू अपडेट आ गया है, और इस बार व्हाट्सएप लेके आया आपके लिए व्हाट्सएप पे। अब आप व्हाट्सएप पर बैंक अकाउंट ऐड कर पाओगे यूपीआई के थ्रू और भेज पाओगे पैसे विद इन सेकंड्स। अब आप अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव्स को या किसी भी अननोन को व्हाट्सएप से ही पैसे ट्रांसफर कर पाओगे या फिर ले पाओगे। एंड गाइज, ये काफी कमाल की और काफी ज्यादा फास्ट चीज बन जाएगी, क्योंकि आप बात करते करते किसी के भी पैसे चुका सकते हो या फिर पैसे ले सकते हो। तो अगर आपने किसी को पैसे नहीं दिए या फिर देने हैं, तो जाइए, व्हाट्सएप का न्यू अपडेट आ गया है, उसे अपडेट कीजिए और पैसे भेज दीजिए। तो गाइस, बारी आती है आज की थर्ड सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज की। गाइस, लॉकडाउन के टाइम पे यूट्यूब के सर्वर्स पर काफी ज्यादा लोड हो गया था, जिसकी वजह से यूट्यूब ने अपनी वीडियोस की रेजोल्यूशन को सेट कर दिया था 480p पे। इसका मतलब कि आप किसी भी वीडियो को लॉकडाउन के टाइम पर 480p से हायर रेजोल्यूशन में ब्राउज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कुछ टाइम पहले ही यूट्यूब ने 720p पर इसे रिस्टोर किया था और अब फाइनली इसे HD रेजोल्यूशन में रिस्टोर कर दिया है। इसका मतलब अब आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को HD में स्ट्रीम कर पाओगे। Redmi Note 9 को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि जो Redmi Note 9 है उसका आपको स्टैंडर्ड एडिशन और हाई एडिशन देखने को मिल सकता है। लीक्स के अकॉर्डिंग इसके कुछ स्पेसिफिकेशन भी सामने आए हैं। जो Redmi Note 9 का हाई एडिशन रहेगा उसमें आपको देखने को मिल सकता है Dimensity का 800U प्रोसेसर, जो कि काफी फास्ट काम करेगा। तो अब देखते हैं कि ये सिर्फ रूमर्स हैं या इनमें कुछ सच्चाई है, और ये कब जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन Redmi Note 10 सीरीज के बारे में। जो Redmi Note 10 और 10 Pro होगा ना, वो हो सकता है इंडिया के अंदर अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर लॉन्च हो जाए, यानी कि न्यू ईयर से पहले पहले ये सीरीज इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकती है। लेकिन साथ में एक कंफ्यूजन भी है कि जो Redmi Note 9 के 5G सीरीज का हाई एडिशन और स्टैंडर्ड एडिशन होंगे, वही रीब्रांड होकर इंडिया के अंदर Redmi Note 10 और 10 Pro के नाम से आ सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो Redmi Note 10 Pro होगा उसके अंदर आपको या तो Dimensity का 800U या फिर कोई और प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। तो बस अब ये देखना है कि ये जो कंफ्यूजन है ना, जो ये सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, ये सारी कंफ्यूजन फाइनली कब खत्म होगी। अब बात करते हैं MI 10 के बारे में। गाइस, जो MI 10 है ना, वो चाइना के अंदर हर एक स्टोर से, यानी चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, वहां से आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। और जब कोई स्मार्टफोन बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है हर एक स्टोर से, तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई नया भाई मार्केट में आने वाला है। तो गाइस, इससे हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो MI 11 है ना, वो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो गाइस, बात करते हैं हमारी आज की लास्ट टेक न्यूज़ के बारे में। गाइस, Xiaomi का कल एक डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें वो अपनी एक टेलीस्कोपिक टेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं, जिसकी वजह से वो क्लेम करते हैं कि जो अपने वो नए स्मार्टफोन लेकर आएंगे उनके अंदर के जो कैमरास होंगे, उनके अंदर जो वीडियो स्टेबलाइजेशन होगा, जो फोटो की क्वालिटी होगी, जो जूम होगा, वो काफी ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज बन जाएगी एंड काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकती है Xiaomi के नए स्मार्टफोन्स के कैमरास के अंदर। यहां पर खत्म होती है हमारी आज की सारी कमाल की टेक न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। मैं आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।